हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है सभी लोगों का। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होगा। स्वागत है आपका माफिया की एक और वीडियो में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे सैम और पॉली पर हमला हुआ था, वो जो हमारे पास सिर्फ एक बिजनेस बचा था, बाकी सारे बिजनेस तो डॉन मोरेलो ने छीन लिए हैं डॉन स्लेरी से। वहाँ पर भी हम पर अटैक हुआ और सैम बुरी तरह से जख्मी हो गया था, उसको डॉक्टर के पास छोड़ दिया था। और उसके बाद अभी बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जाकर चैनल को चेकआउट करो, और काफ़ी सारी वीडियोस हैं। ओके, तो अभी फिलहाल Hey, boss. टॉमी मिलने आया है डॉन I came to see सिलेरी if I से got your message. Sit down, Tom. और बैठने के लिए बोला है। करते हैं डॉन सिलेरी से बात। We have a mole, Tom. ओके, तो Yeah. हमें कोई गद्दार है, Oh. डॉन सिलेरी ये बोल रहे हैं हमें। I was up all night driving myself nuts trying to figure it out. तो पहले इनकी बात सुनते, फिर मैं आपको Sir, एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है। that's one of our guys. Someone with a light wallet. Maybe looking to Marilla for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books. To see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. Frank. क्या फ्रैंक? फ्रैंक गद्दार निकला है? Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. The one you tried to drown. Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. Okay, तो अभी when you catch up डॉन सिलेरी ने बताया कि get those books. And if he doesn't have them on him, you'll make him tell you where to find them. After that, you do what we gotta do. तो ठीक है, अभी डॉन सिलेरी ने बताया है कि कब से डॉन सिलेरी को शक था कि इनकी गैंग में कोई धोखेबाज बंदा है। तो उसके बाद हुआ क्या कि इसने बुक्स वगैरह चेक करने की कोशिश की। जब ये बुक्स चेक करने पहुंचा तो वहां पर फ्रैंक नहीं था। फ्रैंक को कॉल करने की कोशिश की, फ्रैंक ने कॉल पिक नहीं की। तो शक यकीन में बदल गया कि फ्रैंक ही है जिसने इन्फॉर्मेशन सेल आउट की है। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फ्रैंक को ढूंढना है, उससे बुक्स वगैरह लेकर आनी है। उससे पहले विंसो से बात करते हैं। विंस मेरे भाई, गन्स दे दे। ओके, चाहिए क्यों नहीं चाहिए, क्या बात है। Or Frank sees in Lapara, you'll know. The old ways work. तो ठीक है, गन मिल चुकी है और उस साइड पर जाना है। यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी में बैठते हैं। कौन से वाली में बैठे? इसमें ही बैठते हैं। तो चलते हैं, अभी फ्रैंक को ढूंढना है, किसी शॉप पे जाना है। और जब डॉन सिलेरी ने बोला है कि जैसे ही तुम्हें फ्रैंक मिले उससे बुक्स रिकवर करनी है, अगर उसके पास बुक्स नहीं होंगी तो मेक श्योर करना कि वो तुम्हें बताए कि बुक्स कहाँ पर है। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है तुमने फ्रैंक के साथ क्या करना है, उसको मारना है कि नहीं। वो बुक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि किस बंदे से कहाँ से हम कितने पैसे लेते हैं, और वो डॉन मोरेलो पुलिस को भी दे सकता है, और वो हमारे खिलाफ़ भी यूज़ हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, जल्दी चलते हैं फ्रैंक को ढूंढने।
मैं जा रहा हूँ रॉन्ग साइड से, और अभी हम जा कहाँ पर हैं, बिफ्स की शॉप पे जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि बिफ वो ही बंदा है जिसने हमें उन लड़कों की इन्फॉर्मेशन दी थी जो सारा को तंग करते थे। तो अभी इसके पास भी इन्फॉर्मेशन होगी बिफ के पास कि फ्रैंक है कहाँ पर, और हर बार ये बंदा यहीं पर क्यों लेटा होता है। तो ठीक है इसके पास चलते हैं, आई होप कि इसके पास इन्फॉर्मेशन हो। बिफ जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे। अबे बिफ, हाँ अभी ठीक है, मुझे लगा था शायद गेम ग्लिच करके यहाँ से। और बिफ बोल रहा है इन्फॉर्मेशन दे, बट पहले $40 मांग रहा है। ओके तो इसने बताया कि मोरेलो से एफबीआई को कुछ मिल रहा है, बट ये नहीं मालूम कि दे क्या रहा है। और इसने अभी किसी बंदे के बारे में बताया जो शराब पीकर गिर रहा था, और इसने हमसे $40 लिया है इन्फॉर्मेशन देने के। गन रखते हैं हाथ में, दो गोलियां हैं इसमें। बैठो गाड़ी में भाई, साइड पे हो जाए, इतना टाइम नहीं है। और एफबीआई वालों के अगर हाथ में वो बुक्स लगती हैं तो डॉन से लेरी तो गए, और डॉन मोरेलो का फुल ऑन इस पे जोर लगेगा कि वो बुक्स एफबीआई को किसी तरीके से पकड़ा पाए, क्योंकि तो उसके बाद वो अकेला ही इस पूरे टाउन का बादशाह बन जाएगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं लिटिल टोनी को ढूंढने, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, उससे पूछते हैं कि कहाँ पर ये सारी मीटिंग वगैरह हो रही है, और शायद उसके पास फ्रैंक का भी पता हो। फिलहाल यार गाड़ी चाहिए थी थोड़ी तेज़ चलने वाली, बट ठीक है जितनी भी स्पीड पर चल रही है। और अभी ना थोड़ा सा गेम में हाथ टिक रहा है, और गाड़ी वगैरह चलानी ना थोड़ी आसान लग रही है, जैसे हम GTA में गाड़ी चलाते हैं वैसा नहीं है इसमें, बट ठीक है फिर भी बढ़िया है, क्योंकि उसमें हैंडलिंग वगैरह बहुत बढ़िया है गाड़ियों की, बट इसमें नहीं है। सीधे जाना है यहाँ से, लेफ्ट फिर से लेफ्ट, बस हम पहुँचने वाले हैं। और ये रहा वो बेटा, नहीं ये नहीं है, इस साइड पर होगा, ये रहा, इससे बात करते हैं अभी अंदर जाकर। जगह पर पहुंच चुके हैं, और ये क्या पता नहीं क्या चल रहा है, बात करते हैं इससे। No, it's not. What's this about the guy you drove home who's with the feds? He came in for a drink, which turned into Ben. He's hired muscle for some kind of safe house. Okay. Oak Hill, corner of Pine. He gave me $10 to drive him back and keep my mouth shut. That arm that Councillor Gilardi's brokered some kind of deal between Morello and the FBI. They were all ready to sit tight on someone in there. Why the hell didn't you tell us? Tom, I did. I came in to see Frank straight away. He didn't tell the Don? No. और वो ही बात होगी फ्रैंक वाली। Tom. फ्रैंक ने वो ही काम किया। बाद में बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ से चलते हैं। तो वही बात हुई है, ये बताने तो आया था अपनी तरफ से, बट इसने बताया किसको, फ्रैंक को। अभी यहाँ से चलते हैं जल्दी से, और वहाँ पर जाकर देखते हैं इससे पहले कि डॉन मोरेलो FBI वालों से डील कट कर ले। हमें पहुँचना होगा सेफ हाउस पे, और इसके बताने के मुताबिक उसने काफ़ी ज़्यादा बंदे हायर किए हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। फ्रैंक ने ये गद्दारी गलत की, और स्टार्टिंग से जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि डॉन ने क्या बोला था कि अगर कोई लॉयल्टी तोड़ेगा तो फिर उसका अंजाम तो गोली है, तो फ्रैंक का मरना तो तय है। बट हाँ फ्रैंक के जो बीवी और बच्चे हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो अभी जल्दी से चलते हैं सेफ हाउस में, आई होप कि हमें फ्रैंक वहाँ पर मिल जाए और बुक्स भी मिल जाएँ ताकि FBI के हाथ में कुछ भी ना लगे। और उसके बाद डॉन मोरेलो से तो बाद में देखेंगे, अभी मुझे लग रहा है कि गैंग वॉर बढ़ेगी, बट वो बढ़ने से पहले एक बार वो ये देखते हैं
कि फ्रैंक एक बार हाथ आ जाए, क्योंकि फ्रैंक का बनना ज़रूरी है अभी, क्योंकि उसको वैसे भी वो डॉन के साथ पिछले 50 साल से है, तो उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह बहुत है हमारे बिजनेस की। तो फ्रैंक भाई तुम्हारा बनना तो ज़रूरी है। बहुत दुख होगा क्योंकि फ्रैंक कभी सोचा नहीं था कि फ्रैंक हमें धोखा देगा, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, जैसा भी ऐसा ही चल, बिजनेस तो ऐसा ही होता है। और ये ना एक हॉर्न वगैरह जो मारते हैं, इनको देखेंगे बाद में। फिलहाल फ्रैंक के पास पहुंचते हैं, पहुंचने वाले हैं सेफ हाउस के पास। तो जब तक सेफ हाउस पहुंच रहे हैं, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना, पिछले पार्ट्स जाकर चेक करना जिन्होंने नहीं चेक किए इस माफिया गेम के। और आप चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, GTA गेम भी खेली हुई है, बाकी काफ़ी ज़्यादा सारी गेम्स खेली हुई हैं, जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बस पहुंचने वाले हैं सेफ हाउस के पास। तो ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कट सीन आएगा कोई। Looks like the place. यही प्लेस लग रही है। ड्राइविंग देख रहे हो टॉमी की? टॉमी भाई रुक जा यहाँ पर, तो ये रहा फ्रैंक। बैठ रहा है गाड़ी में, काफी ज्यादा सिक्योरिटी ले लिया इसने गद्दारी करने के बाद, मालूम है इसको कि इसका टाइम आ चुका है मरने का। ओके, तो इस पर नजर रखनी है हमने। ठीक है, ये यहीं से जा रहा है, तो बस इसके पीछे पीछे चलना है, बस ये हमें देख ना पाए, क्योंकि अगर इसने देख लिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर इसने देख लिया तो फिर ये वहाँ पर नहीं लेकर जाएगा। ब्रेक डिस्टेंस बनाकर रखना, वरना मिशन फेल हो जाएगा। फ्रैंक को तो नहीं मैं छोड़ रहा भाई, गद्दारी तो किसी भी चीज़ में, इसने धोखेबाजी की है किंग डॉन सिलेरी के साथ। पीछे इतना डिफरेंस आई है, बस इसका पीछा करना है और ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है अभी। देखते हैं ये कहां पर जा रहा है। और यार पॉली और सैम का नहीं मालूम पड़ा, वो मिले नहीं ना अभी तक, मुझे लग रहा है सैम अभी तक रिकवर नहीं हुआ, बट इससे डिफरेंस ये यहां पर फिर से रुकेगा। ओके, तो यहां से राइट जा रहा है, मेक श्योर करना है ये हमें देख ना पाए। और बीच में एक ट्रक आ रहा है, कहाँ जा रहा है फ्रैंक लेकर? कहीं ये FBI वालों के पास तो नहीं जा रहा? अगर वहाँ जा रहा होगा तो हमें FBI वालों को भी मारना पड़ेगा, फिर तो कोई हमारे पास चारा ही नहीं है। वैसे हैरानी की बात ये है कि सिर्फ इसके पास अभी सिक्योरिटी नहीं है, और टॉमी भी वही सोच रहा है। हाँ टॉमी भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि किसी तरह की मीटिंग वगैरह में जा रहा है ये जा कहाँ पर रहा है? यहाँ से लेफ्ट होगा, लेफ्ट नहीं हुआ। और कार स्टॉप साइन देखो कैसे हैं। तो इसको टेल करना है, इसके पीछे पीछे ही रखते हैं। यहाँ से ये लेफ्ट हो रहा, हाँ हो रहा है लेफ्ट। आगे देखते हैं कहाँ, काफी ज्यादा नहीं घुमा कर लेकर जा रहा है ये। रुकते हैं यहाँ पर क्योंकि रेड लाइट है, और ये एयरपोर्ट जा रहा है, अगर राइट लिया तो एयरपोर्ट जा रहा है, एयरपोर्ट ही जा रहा है। तो क्या फ्रैंक यहाँ से भागने वाला है? ठीक है, फ्रैंक का पीछा करते हैं, बुक्स ज्यादा जरूरी हैं, बुक्स चाहिए इससे। वैसे इसने ऐसा किया क्यों होगा? पैसे तो इसको डॉन सिलेरी भी बहुत ज़्यादा दे रहे होंगे, हो सकता है कि डॉन मोरेलो के पास इसके बीबी बच्चे हों, बट अगर ऐसा होता तो भी ये फिर डॉन सिलेरी को बताता कि उन्होंने किडनैप कर लिया और इससे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। चल कह रहा है, और जा भी ये एयरपोर्ट की तरफ रहा है तो ये कंट्री छोड़कर तो भाग ही रहा है।
अगर ये हाथ से निकल गए तो ना ही कभी बुक्स मिलेंगे और ना ही कभी फ्रैंक से बदला ले पाएंगे। ओके, तो मीटर देखा आपने कैसे बढ़ाए, मैं काफी पास चला गया था। और एक और गाड़ी यहाँ से, ये लेफ्ट हो रहा क्या, यहाँ से लेफ्ट हो रहा, ये जा रहा है एयरपोर्ट, सामने एयरपोर्ट आ चुका है। अभी तक हमें ये नहीं मालूम पड़ा कि इसके पास बुक्स हैं कि नहीं। तो ये ओके, तो काफ़ी पुलिस वगैरह इसको प्रोटेक्शन देने के लिए खड़ी हुई है फ्रैंक को, काफ़ी ज़्यादा तामझाम है। और इनके पास शॉटगन्स हैं, अभी कोई रास्ता ढूंढना होगा फ्रैंक के पास जाने के लिए। और ये भी वही बात कर रहे हैं कि ये FBI से है, और जैसे ही इसने कोशिश की अंदर जाने की तो इसको भगा दिया। इसके पीछे छिपते हैं, कोई और रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से, उस साइड से जा पाएंगे। ओके, तो बच गए अभी तो फिलहाल, यार जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अगर मैं उस दरवाजे के पास पहुंच पाऊं तो शायद, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है, वो सामने से तो ये लोग जाने नहीं देंगे। ओके, तो वहां पर तो पुलिस वाला आ रहा है एक, और पीछे भी काफी खड़े हैं। ठीक है, तो गन तो मैं नहीं यूज कर सकता। ओके, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं। और यहाँ से मैं कैसे जा पाऊंगा, क्या मैं आराम से जा पाऊंगा? हाँ, तो ये लोग तो नहीं मुझे पहचान रहे, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सामने की तरफ। इस साइड पर तो फ्रैंक कहीं नहीं दिख रहा, अंदर तो नहीं है कोई पुलिस वाला, वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इस साइड से तो मैं नहीं जा पाऊँगा। ओके, तो उसको शक पड़ चुका है मेरे पे, भागना होगा, वो आ रहे हैं मुझे ढूंढने। ओके, तो सामने भी एक पुलिस वाला, वो सामने खड़ा हुआ है एक, उसको देखना होगा। ओके, तो वो भाग रहा है हैंगर 5 की तरफ है। ओके, पहले तो इसको निपटाते हैं, ये तो निपटा गया, और हैंगर 5 की तरफ जा रहा है वो। तो ठीक है, हैंगर 5 तक पहुंचना है मुझे, और मेक श्योर करना है कि इन सिक्योरिटी की नज़र में मैं ना आऊं, क्योंकि अगर इनकी नज़र में आया तो मैं गया। काफ़ी ज़्यादा जाने हैं ये सिक्योरिटी वाले, और ये नहीं मुझे पहुंचने देंगे फ्रैंक के पास। यहाँ पर छिपकर एक बार देख लेते हैं कोई है तो नहीं। ओके, तो सिक्योरिटी तो उस साइड खड़ी है, आगे चलते हैं, बम उठा लो। एक वो खड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 जने हैं। ओके, तो इसको शक हो गया मेरे पे, आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर, देख नहीं आ रहा देखने, अभी भी दोनों जाने खड़े हुए हैं वहां पर। अभी जाने का नाम नहीं ले रहे, साइलेंट गन चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों को एक साथ नहीं ले पाऊंगा, अगर एक ने भी गन निकाल ली तो काम खराब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, पीछे को भागते हैं, क्या पता उसकी नज़र जाए मेरे पे, नहीं जा रही। ओके, अभी गई है इसकी नज़र मेरे पे, क्या ये आएगा इस साइड पे,
आ जा मेरे भाई। नहीं आ रहा ये तो। दोनों की नज़र गई है मेरे पे अभी। एक तो आ रहा है उसमें से, जैसे मेरे पास आया ये तो गया, ये तो गया। दूसरा आएगा, अभी तक तो दूसरा नहीं आ रहा। ये भी गया। ठीक है, ये दोनों तो गए। गन मेरे पास है ना बस। ठीक है, इसकी पिस्टल उठा लूँ बस एक बार। गोलियां नहीं है पिस्टल में वैसे देखा जाए तो। एक बंदा बाहर भी है, इसको भी निपटा ही देते हैं। अरे अंदर देखने, अबे इसको तो मालूम ही पड़ गया। मार इसको, इसकी ऐसे की तैसे मार दो इसको। टॉमी लो, टॉमी गन छीनो इससे। रिलोड करो, पीछे गोलियां पड़ी थी टॉमी की, और इसकी जगह मैं रख रहा हूँ रिवॉल्वर। पीछे से गोलियां लेकर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि गोलियां ज़्यादा ज़रूरी हैं। गोलियां है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, इसकी भी गोलियां 30 है, रिलोड है नहीं। तो यहाँ पर तीन जने तो निपटा दिए मैंने। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते। हेल्थ कम नहीं है मेरी, ठीक है हेल्थ तो पूरी है। ये भी गया, ये ज्यादा बन रहा है। इसकी ऐसे कितने थी, ये तो गया। रीलोड, चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पीछे बंदे हैं, ये भी गया। हर एक चीज़ उड़ेगी यहाँ पर, किसी भी चीज़ को नहीं मैं छोड़ने वाला। गन कर लो रीलोड, दोनों गन रीलोड करूँगा। तू भी चल, दूसरी गन कहाँ पर है, इसको भी रीलोड करो। इसके पीछे ये तो गया। अबे पीछे बचा हुआ है अभी, एक और पीछे है बंदा। सर नहीं निकाल रहा वो। तू भी जाएगा, तू किस साइड पे घूम रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। और आगे जाना है अभी। बस ठीक है, इनको तो इन्होंने खुद ही अपने आप को आग लगा ली। इसके पीछे चल, ये भी गया। एक बार लूट ले इनको, गोलियां नहीं है मेरे पास। जितनी गोलियां उठा सको उतनी कम है। हेल्थ चाहिए, हेल्थ शायद उसके अंदर मिले हैंगर के अंदर। नहीं है यार, इनमें से किसी के पास हेल्थ वगैरह नहीं होती ना, हेल्थ बाय भी नहीं कर सकते। आगे ढूंढनी पड़ेगी कहीं पर हेल्थ। तो फ्रैंक तो ये रहा, फ्रैंक के पास पहुंच चुके हैं। तो ऐसा है फ्रैंक, मैंने ये गन फेंक नहीं दी थी। फ्रैंक, द डॉन सेंट मी। आई फिगर्ड एज मच, आई एम सॉरी इट हैड टू बी यू। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा, फ्रैंक से बस इंफॉर्मेशन ले, मैं तो इसको मारूंगा। आई विश इट कुड हैव शेकन दैट बैटर, बट मोरेलो फाइनली केम आफ्टर मी। और ये बोल रहा है मोरेलो मेरे पीछे आ गया। यू कैन कम आउट। और कौन आ रहा है, फ्रैंक की बीवी और लड़की। मोरेलो ऑफर्ड मी अ सिंपल ट्रेड, द डॉन्स अकाउंट बुक्स फॉर आवर लाइव्स। ओके, तो मैंने देखा, मैंने सही गेस किया था कि मोरेलो ने इसकी बीवी और बच्चे को मारने का बोला। दे सेफ, मोरेलो वाज वेटिंग फॉर दिस।
मोरेलो इसकी वेट कर रहा था। ओके तो बैंक डाउनटाउन में है। मोरेलो आई हैड इट ओवर आफ्टर द प्लेन वाज फ्यूल एंड रेडी टू गो। हिज मेन वर मेंट टू फेच इट बिफोर वी लेफ्ट। आई टुक केयर ऑफ हिम। टोल्ड हिम टू गेट ऑन अ प्लेन। और गो ऑन मार्च। क्योंकि फ्रैंक अभी मरेगा तो इसको सिंपल सी बात बोल दी है फ्रैंक को कि इन दोनों को जाने को बोलो। Tommy and I, we have some serious business to discuss. But Frank, get on the plane, March. और फ्रैंक अपने फैमिली को बोल रहा है कि जल्दी से प्लेन पर जाओ, मैंने टॉमी से बात करनी है। कोई भी बात नहीं करनी है फ्रैंक, अभी तू मरेगा भाई। ये डॉन से भी सेम चीज बोल सकता था कि मेरी फैमिली को खतरा है। You been paid yet? Yeah. और टॉमी उसको बोल रहा है तुम्हें पैसे मिल चुके हैं ना, ये ले। और Now you've been paid twice. You take the ladies wherever they want to go. Yes, sir. और पायलट को भी जाने के लिए बोल दिया। Christ, Frank. Why didn't you देखा टॉमी भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने हमसे हेल्प क्यों नहीं मांगे? I just wanted out. One way or the other. और बोल रहा कि मैं इस गुनाहों से भरी हुई दुनिया से थक चुका था, अपनी बीवी बच्चों से झूठ बोलकर थक चुका था, और इसको डर लगता था इसीलिए इसने ये सब किया। नहीं टॉमी जाने मत देना इसको, मुझे लग रहा है टॉमी जाने देगा। फ्रैंक को भी जाने दिया इसने, ऐसा नहीं करने देना चाहिए था, ये गलती कर दी टॉमी ने यार। फ्रैंक को मारना चाहिए था। तो फ्रैंक अपनी फैमिली के साथ यहां से निकल गया। अब ये डॉन सिलेरी को क्या बोलेगा? प्लेन टूट गया, बट ठीक है, बुक्स अभी तक इसने मोरेलो को नहीं दी है तो बुक्स रिकवर कर सकते हैं हम अभी भी। तो वो इम्पीरियल बैंक में पड़ी हुई है। ओके तो सीधे टॉमी हमें वहाँ पर गेम ने पहुँचा दिया है, टॉमी इम्पीरियल बैंक पहुँच चुका है। तो अभी बैंक के अंदर जाना है। दरवाज़ा खोलिए, गेट द अकाउंट बुक्स फ्रॉम द बैंक। Where's the safety deposit boxes? With my colleague downstairs, sir. Thanks. Downstairs जाना है, मेरे हिसाब से सामने ही होगा। और ये पुलिस वाला देख रहा है हमें, ये वैसे ऐसे देख क्यों रहा था? Beautiful day, huh? Uh-huh. साइड जाना है ना, बनकर तो वैसे यहीं पर आ रहा है, पहले आगे जाकर देखें यहाँ पर क्या है। ओके, दोनों रास्तों से ऊपर थे। ये क्या है यहाँ पर पड़ा हुआ? ओके तो कलेक्ट करने के लिए दो कॉमिक्स कलेक्ट किए अभी। डिपॉजिट बॉक्सेस फॉर फ्रैंक कोलेटी। आह यस, मिस्टर एंजेलो। या मिस्टर कोलेटी सेड इट माइट बी यू हु केम एंड टू प्रोवाइड एक्सेस प्लीज। और इसके पीछे करना, ये अभी भी ये सोच रहा है कि हम कोई एंजेलो हैं, पता नहीं कौन है, मे बी वो मोरेलो एंजेलो होगा। गन नहीं निकालनी, बस सारा कुछ आसानी से हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो हमें। तो ठीक है, एक्सेस किया और सेफ में से ये बॉक्स निकला है, देखते हैं क्या है इसमें। और ये क्या चल रहा है? I got the books, you covered my tracks. Salieri never asked any questions. In fact, apart from the funeral, I never heard him talk about Frank again. Okay, तो टॉमी ने ऐसा शो किया कि वो तीनों मर चुके हैं, फ्रैंक और उसकी फैमिली। और टॉमी क्या कर रहा है? पॉली तो पीछे खड़ा है। और टॉमी ने आई थिंक फ्रैंक के घर को आग लगा दी है। और अभी और कौन आया है? ये कौन है?
डॉन मोरेलो, ये नहीं डॉन मोरेलो, तो डॉन मोरेलो ही है ये। You're making my boys twitchy, Marku. Sergio and I just came by to pay respects, that's all. Known Frank a long time. Almost as long as you. He's a good man. Smart. Don Morello bhi aaya Frank ke funeral par. His wife. His kid above all else. There must be some kind of honor in that, in you. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. काफी इंटेंस मोमेंट हो गया और डॉन मोरेलो वापस जा रहा है। तो ये मिशन कंप्लीट। ओके ठीक है गाइस, आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।